ऐसी ही आदिम जनजाति है पहाड़िया, जो कि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के नाम से जानी जाती है। इस जनजाति के ज्यादातर लोग वर्तमान में भारत के नवनिर्मित राज्य झारखंड में निवास करते हैं, जो कि पूर्व में बिहार राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। एक गणना के अनुसार हमारे देश में लगभग 635 जनजाति समूह हैं, जो कि हमारे कुल आबादी का 7.76% है। और आज का झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ 30 से भी अधिक जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनमें संथाल, उरांव, मुंडा, हो, चीरो, बिरहोर, मरांडी, असुर, खरिया, परहिया और पहाड़िया आदि समुदाय शामिल हैं। अब यदि पहाड़िया जनजाति की बात की जाए तो ये जनजाति दो भाग में बटी हुई है और इसके सदस्य माल पहाड़िया और सूर्या पहाड़िया के नाम से जाने जाते हैं। द्रविड़ मूल की इस जनजाति के ज्यादातर लोग संथाल परगना के दुमका, साहिबगंज, गोडा, पाकुड़, लिट्टीपाड़ा जिलों के पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में बसते हैं। इसके अतिरिक्त छिटपुट रूप से ये लोग बिहार और बंगाल में कुछ स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ये लोग मूलतः द्रविड़ मूल की मालतो भाषा के साथ साथ बंगाली व स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। लेखन के लिए देवनागरी का ही प्रयोग किया जाता है। झारखंड का अगर आप इतिहास देखें तो यहाँ के इतिहास में आदिवासी नेताओं का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू जैसे बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ा था। हमारे ज़िले में जितने भी पहाड़ हैं, अंग्रेजों के समय जब बंदोबस्ती हुई तो सभी पहाड़ों की बंदोबस्ती पहाड़िया आदिवासियों के नाम पर हुई है। यहाँ जितने भी पहाड़ हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट या गवर्नमेंट खास जगह के तौर पर नहीं है, वो पहाड़ियों के नाम पर हैं। यह किया गया था पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए, ताकि जिस इलाके में वो रह रहे हैं उस पर उनको अधिकार प्राप्त हो जाए। परंतु साथ ही साथ इसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि पहाड़ों पर रहने के कारण उन्हें मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना हम लोगों के लिए एक समस्या होती है। मसलन पहाड़ों पर पीने का पानी पहुंचाना, वहाँ पर जितने भी हम लोग नलकूप बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करना, वहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, वहाँ पर आवागमन की व्यवस्था करना, इन सबों में हम लोग को बहुत समस्या आती है। पहाड़िया जनजाति के लोगों का जीवन सदा से ही बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। रोजी रोटी के संघर्ष से लेकर अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए इनके पूर्वजों को मुगलों व मराठों से लेकर अंग्रेजों तक से संघर्ष करना पड़ा है। संथाल परगना के भोजनाडीह गांव में पैदा हुए अमर शहीद सिद्धू कान्हू और चांद भौरव की संगठनात्मक कारगुजारियों ने सन 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के पैरों की जमीन खिसका दी थी। भगवान बिरसा मुंडा के किस्से तो यहाँ के बच्चे बच्चे की जबान से सुने जा सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चले असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ के लोगों का बराबर सहयोग मिलता रहा था। अब यदि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को गौर से देखा जाए तो इन दोनों जनजातियों में कई प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। जहाँ सौरिया पहाड़िया पहाड़ों की चोटियों पर बसते हैं, वहीं माल पहाड़िया लोग उन्हीं पहाड़ियों की तलहटी या मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। सौरिया पहाड़िया, जिसे स्थानीय भाषा में सांवरिया या सांवले पहाड़ का निवासी कहा जाता है, वहीं माल पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में माल, माले, मालो, मालतो कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आदमी होता है। वनों और जंगलों से घिरे सौरिया पहाड़िया लोग प्राय एक बड़े कमरे वाला ही घर बनाते हैं, जिसे ये लोग स्थानीय भाषा में अड्डा कहते हैं। इनके घर प्राय एक ही कतार में बने होते हैं, जिनमें प्रवेश के लिए एक ही मुख्य द्वार होता है, जो कि काफी छोटा होता है। चारों तरफ से बंद इनके घरों में इनके परिवारजन तथा जानवर साथ साथ रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ माल पहाड़िया लोगों के घर काफी बड़े, खुले और हवादार होते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पहाड़िया लोगों को अपने जीवन काल में
रोजी रोटी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। पेशे से शिकारी व घूम घूम कर खेती करने वाले इस जनजाति के लोगों को गुजर बसर करने के लिए खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे छोटे मोटे कार्य करके जीवन गुजारना पड़ता है, जिनमें मछली पकड़ना, पशुपालन, जंगलों से लकड़ी चुनना, कोयला बनाना, फल फूल और अन्य वन औषधि व जड़ी बूटी इकट्ठा करके बेचना शामिल है। सिंचाई के समुचित साधनों के अभाव में जहाँ सौरिया पहाड़िया लोग पहाड़ पर छोटे छोटे खेतों में ऐसी फसलें बोते हैं जो कि वर्षा जल पर ही निर्भर करती है, वहीं माल पहाड़िया लोग योजनाबद्ध तरीके से बने खेतों से वर्ष भर लगातार अच्छी उपज पैदा करते हैं। यहाँ पर मक्का, बरबट्टी तथा दालों की पैदावार अच्छी मात्रा में पैदा होती है। वनों और जंगलों के बीच रहने वाले ये स्त्री पुरुष अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति वन उपज व अन्य वन संसाधनों के द्वारा ही कर लेते हैं। बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैं जबकि उन्हें वनों से बाहर निकलना पड़ता हो। ये लोग बहुत ही सस्ते किस्म के वस्त्र और जेवर धारण करते हैं। यहाँ की महिलाएं अपने श्रृंगार के लिए वनों के फूलों, पत्तियों, बीजों से निर्मित गहनों का उपयोग करती हैं। तथा जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी होती है वहाँ की महिलाएं चांदी के जेवर पहनती हैं। जीवन की दौड़ धूप में एक आम पहाड़िया स्त्री पुरुष को मीलों दिन रात पैदल चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे उसकी वांछित वस्तु प्राप्त होती है। दोनों ही पहाड़िया जनजाति समुदाय के लोगों में अपने अपने देवी देवताओं और भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है। अतः ये लोग प्रत्येक अवसर पर संबंधित देवी देवताओं को प्रसन्न करना नहीं भूलते हैं। अब अवसर चाहे फसल बोने का हो या फसल काटने का, शिकार पर जाने का या दुख बीमारी से मुक्ति का, इन सारे अवसरों पर सारे गांववासी अपने अपने घरों से बीज, हथियार, जड़ी बूटी आदि लाकर एक सामूहिक स्थान या सखुआ के एक पेड़ के नीचे रख लेते हैं और फिर शुरू होता है सिलसिला ग्रह देवता, गांव देवता, जंगल देवता, वन देवता, वर्षा देवता, बीमारी के देवता से लेकर खुशहाली और समृद्धि देवता के मान मनवल का। इन अवसरों पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए फल फूल, अनाज, मदिरा, अंडा, मुर्गा, बकरी, सुअर, भैंस आदि तक की बलि दी जाती है ताकि उन पर किसी भी तरह की विपत्ति न आए। भगवान से डरने वाले सीधे साधे ये लोग अपने स्थानीय देवताओं के अतिरिक्त शंकर भगवान, दुर्गा, काली, सूर्य और धरती माता की पूजा भी बड़े ही मनोयोग से करते हैं तथा हमेशा यही कामना करते हैं कि सारे देवता सदा ही इन पर प्रसन्न रहें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव एक समान बनाए रखें। माल पहाड़िया लोगों के जीवन में जन्म से लेकर शादी, विवाह तथा मृत्यु तक के संस्कार बहुत ही मायने रखते हैं। इन लोगों के परिवार पितृसत्तात्मक व छोटे होते हैं। दोनों ही जनजाति समुदायों में हिंदू व ईसाई धर्म के प्रति आस्था होने के कारण ये लोग अपने अपने धर्म के मतानुसार जन्म मरण के संस्कारों व त्योहारों को अंजाम देते हैं। अतः कुछ लोग अपने परिजनों की मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार करते हैं तो कुछ दफन संस्कार करते हैं, लेकिन शादी की परंपरा दोनों ही जनजातियों में लगभग एक जैसी ही है। यहाँ पर ज्यादातर विवाह संस्कार आपसी रजामंदी द्वारा ही तय किए जाते हैं।
लेकिन कहीं कहीं पर इस पद्धति के अतिरिक्त बलपूर्वक व प्रेम विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह तथा दत्तक विवाह की रीति भी प्रचलित है। इन सभी प्रकार के विवाहों में हमेशा ही वर पक्ष वधू का मूल्य चुकाता है। इन विवाहों में लड़के लड़कियां आपस में मिलकर एक दूसरे को पसंद करते हैं और प्रेम विवाह की स्थिति में युगल जोड़ा घर से भाग जाता है। सेवा विवाह की स्थिति में लड़का लड़की के परिवार की तब तक सेवा करता है जब तक कि लड़की का मूल्य चुकता ना हो जाए। दत्तक विवाह में लड़का लड़की के पिता द्वारा गोद लिया जाता है और घर जमाई बनकर रहता है, तथा गोलट विवाह में दोनों परिवारों में एक दूसरे की लड़की का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा विवाह केवल उन परिस्थितियों में होता है जबकि दोनों ही परिवारों में लड़की का मूल्य चुकाने का सामर्थ्य ना हो। विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधू मूल्य के रूप में कपड़ा, चावल, चटाई, नमक, तेल, दाल, जेवर, नगद रुपए के अतिरिक्त एक सुअर भी दिया जाता है। विवाह लड़की के घर पर संपन्न होता है। इस अवसर पर दी जाने वाली दावत में सभी स्त्री पुरुषों द्वारा मांस मदिरा का जमकर प्रयोग किया जाता है, जिसका खर्च भी लड़के के पिता द्वारा ही उठाया जाता है। शादी के अवसर पर लड़का अपनी छोटी उंगली से लड़की की मांग में 5 बार सिंदूर लगाता है। इसके पश्चात लड़का लड़की को एक विवाहित दंपत्ति के रूप में मान्यता मिल जाती है। सौरिया और माल पहाड़िया समुदाय के लोग स्थानीय साप्ताहिक हाट बाजार के बहुत ही शौकीन होते हैं। इन बाजारों में जवान लड़के लड़कियों की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये लोग इन बाजारों में अपनी अपनी जरूरतों की सभी वस्तुएं खरीदते और बेचते हैं। स्थानीय लोग इन बाजारों में मांस मदिरा का जमकर प्रयोग करते हैं, जो कि घर पर ही तैयार कर ली जाती है। पहाड़ियों के लिए यहाँ तक कहा जाता है कि हाट बाजार के तयशुदा दिन यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए या कोई बड़ा त्योहार जैसे होली, दिवाली या क्रिसमस आदि साथ साथ आ जाए तो ये लोग उस त्योहार या मृत्यु संस्कार को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर देते हैं, परंतु उस दिन बाजार जाना किसी भी सूरत में स्थगित नहीं करते हैं। दोनों ही जनजाति समुदाय की महिलाएं बहुत ही मेहनत कश होती हैं, जो सारा दिन घर के चूल्हे चौके से लेकर खेत खलियान, जंगलों से पत्ता तोड़ना, जंगलों से लकड़ी, फल, फूल व जड़ी बूटी चुनना, पशुपालन, घरेलू सामान बनाने से लेकर बाजार में बेचने तक का कार्य करती हैं। जहाँ तक बीमारियों और अच्छे स्वास्थ्य का सवाल है, दोनों ही पहाड़िया समुदाय में हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज स्वयं ही अपने परंपरागत तरीके से कर लेती हैं। यहाँ तक कि सांप या अन्य जंगली जानवर के काटने तक का इलाज भी झाड़ फूंक कर लिया जाता है। किसी भी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पहले पूजा करके देवता को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, फिर जड़ी बूटियों और ओझा के मंत्रों का सहारा लिया जाता है। यदि इन सब उपचारों के पश्चात भी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है, तब अंत में थक हार कर पहाड़िया लोग डॉक्टर या अस्पताल की शरण में जाते हैं। अब चूंकि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पहाड़िया लोगों में स्वास्थ्य व सफाई के प्रति विशेष अभियान चलाए हुए हैं, तो निकट भविष्य में इन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं की जा सकती हैं। दोनों ही समुदाय के लोगों में शिक्षा का प्रसार बहुत ही कम है। इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा पहाड़ियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं एक विशेष पहाड़िया विभाग के तहत लागू की जा रही है, जिसमें पहाड़िया बच्चों को प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा तक के विशेष प्रबंध किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत न केवल मुफ्त शिक्षा प्रदान कराई जा रही है, बल्कि इन बच्चों के किताबों, कपड़ों, रहने खाने के लिए मुफ्त आवासीय विद्यालयों का प्रबंध किया गया है, जिसका सारा खर्च सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है। मेरा नाम रामधन प्रसाद देहरी है। मैं दुमका डिस्ट्रिक्ट संत वियानी स्कूल से आया हूँ। लातो डिस्ट्रिक्ट गारू प्रखंड एतरना आदिम जनजाति एतन उपजाति ब्रिजिया एतर इंगजा
वह नाम मिलने का कुछ एडमिशन 2001 में ऐसे ननताज की रहे एहरे बस ऐसे बढ़िया से पढ़ा लिखा के तय कर दस और उनको कोहा भी बनर की पगनारी एलेटन है पदंती ले हम पढ़ा रनर एंगन आंगे अरुंती करें एम दुरंती बच कर आदम और इन्हें ट्रेड रही रोटेंस ब्रांच जिसमें कि 5 सीट इन लोगों के लिए जो खास करके पहाड़िया या आदिम जनजाति वाले लड़के हैं। इसके साथ साथ सरकार आजकल पहाड़ियों को उनके मूल स्थान पर भगवान बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत मुफ्त आवास भी प्रदान करा रही है। आमतौर पर एक पहाड़िया व्यक्ति अभावों में पैदा होता है और मुश्किलों से जूझते जूझते अभावों में ही अपना जीवन काट देता है। अकेलापन उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। लेकिन अब झारखंड के आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण माल पहाड़िया और सोरिया लोगों के विकास और उत्थान की एक नई लहर चल पड़ी है। इस हेतु शासन और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा एक साथ बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। के बावजूद आज भी यदि कोई पहाड़िया व्यक्ति अपने घर से बाहर अन्य शहर में रोजी रोटी की तलाश में निकलता भी है तो उसे 2 जून की रोटी के लिए तपती धूप में एक तपस्वी की तरह तपना पड़ता है और उसके जीवन का संघर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बादस्तूर चलता रहता है।